Rico? Alan? नाइन्थ क्लास में पावर आया था, इस यादव पावर के बारे में। चलो चलो चलो, कोई नहीं, शांति। देखो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खर्च होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। अरे है एनर्जी है, पावर इज इक्वल टू होता माना डब्ल्यू बाई टी, तो सिंबल का नाम लिखते हैं। अभी नया नया सिंबल आराम का नाम लिखते हैं, नया सिंबल भी नहीं आएगा, मतलब टी आएगा। टी फॉर पावर शक्ति। हम जो पढ़े थे स्कूल में, हमारे टीचर्स कहते थे ऊपर से शक्ति हो रही है, हम ऊपर ले रहे कह रहे हैं ना, तो पढ़े था कि आगे से लड़ाई हो रही है, शक्ति को जा रही है, चीटिंग नहीं हुई है, हमें हमें ऊपर ले रहे थे, हम शक्ति को कहीं नहीं हो रही है, शक्ति वैसा ही है। हाँ सही है, हो गया। देखो सर, क्या डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू फोर क्या होता है बताइए मेरे को। हाँ ये बोलो, डब्ल्यू बराबर ई, ई बराबर एच, ई इक्वल टू एस बाई टी, क्या तुम पीवीआर के बारे में बोलो नहीं, ठीक है ये कर रखेंगे, ये तो पहला हो गया ना हमारा।
अब आप कहेंगे एच बराबर आई स्क्वायर आर एक्स, आठ ले दो दिक्कत क्या होता समस्या को इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बटे आर टी बटे में टी। अब पी से गया टी, क्या आ गया पी बराबर दो फॉर्मूले हमने निकाल दिए हैं। तीसरा यूज करें बोलो, तीसरा फॉर्मूला तुम लोग बोलो गुड गुड वेरी गुड अच्छा लगा जान के मुझे आपको है इज इक्वल टू एच की वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर बटे आर इंटू टी नीचे फिर टी यहाँ आ जाएगा नीचे तो जाओ सब टी से गया टी बी टी पर क्या आ जाएगा अब्बास करंट अब्बास समझ गया इतना लिखो हो गया। अब हम इसकी असाइनमेंट की बात करें चलो पी जी को सुन क्या आता है डब्ल्यू बाई टी डब्ल्यू क्या होता है जूल होता है पावर क्या जाएगा इसको हम वाट कहते हैं इसको वाट में मेजर करते हैं हम लोग वाट में मेजर करते हैं क्या हो गया ऐसे उनके आता कार्य क्या होता कार्य कैसा है मात्रा क्या होता जी होता है ना ठीक है अलग अलग तरीके से भूल देगा अलग अलग तरीके से आपको सावधान रहना है क्या रहना है सावधान विश्राम मत रहना ठीक है इससे क्या होगा होल्ड इसका क्या एम्पियर है ना तो इसका एक और वेट होगा होल्ड एम्पियर वी हो जाएगा ना इसका इसका एक यूनिट क्या जाएगा वी हो जाएगा एक यूनिट ये हो गया एक यूनिट ये हो गया समझ रहे हो ना ऐसे रजिस्टर भी तो निकाल लेना आप लोग समझ रहे हो बट अगर सिंपल मेन यूनिट जो है इसका वो है वाट ए फॉर एम्पियर एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म विभव सुनो सारा दिखा दूंगा ठीक है ना क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ पावर वन शक्ति का कैपिटल डब्ल्यू क्या हो गया वाट आप लिखेंगे वन वाट बराबर वन जूल पर सेकेंड याद रखना इस बात क्या बोल रही हो तू भी बोला कि वन वाट बराबर वन जूल पर सेकेंड अभी निकाल सबने जूल पर सेकेंड डब्ल्यू बाई टी वन वोल्ट एम्पियर बाय फॉर्मूला बी आई से बी का हो गया वोल्ट ए का हो गया एम्पियर
और क्या बताओ, आई स्क्वायर आर क्या होता है, एम्पियर का स्क्वायर गुणे ओम, है ना। और बोलो एक बी स्क्वायर बाई आर वोल्ट का स्क्वायर बटे में ओम, ये सब क्या है, किसी फॉर्मूले का किसी यूनिट है, आपसे कैसे पूछ सकता है, जितना इसका है ना उतना ही पीछे मैंने लिख करता है, लिख रहा है बोले क्या लिखा था, ये लिख लो है डब्ल्यू बाई टी से, ये बना है बी बटे आई बी इंटू आई से, ये बना है आई स्क्वायर आर से, ये बना है बी स्क्वायर बटे आर से, समझ गया। चार फॉर्मूले चार तरीके से बने हैं, ना समझो तो लिख लो, समझदारी किताब में काम आएगा। क्या करो विवर तुम ये मिला रहे हो, बस और मेगावाट गीगावाट सब वाट लिख ले, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट गीगावाट तो मैं कन्वर्जन ज्यादा था, अगर पूछ देगा 1 मेगावाट में कितने वाट होते बच्चों, इसका एक और पता है, एक और रूप इसी का, एक और रूप चौके का तो नहीं ना, ड्रग का तो नहीं ना, इसको कैसे होता था, 10 की पावर 3 बेस सेम होती है तो पावर वाली जुड़ जाती है, बेस सेम पावर से क्या जाएगी 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्या जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 इसके बाद हो जाता है 1 किलो का होता है ना, 10 की पावर 3 मतलब 1000 होता है ना, 1000। अरे बोलो करो सभी लोग, 10 की पावर 3 गुणे 1 किलो, समझ गया, इसको कहते हैं 10 की पावर 3 किलो, किलो लगा दिया मतलब 10 की पावर 3 है वहां पे, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 ये भी रूप हो सकता है, तो कभी कभी कौन से रूप में आ जाए हमें नहीं पता होता, ये सब देवी देवता ही होते हैं, भगवान किस रूप में आ जाए हमें क्या पता, हम पहचान नहीं पाएंगे कि भगवान आए हैं, मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूँ, अब बोलो एक गीगा
पता कितना होता है उसका, गीगावाटी नहीं है। मेगा समझ में आया? मेगा का समझ में बताओ, बोलो मेगा समझ में कैसे आया तुम्हारे? मेगा वो 10 की पावर 6 मतलब 1 लाख, 10 की पावर 9 9 लाख होना चाहिए। हाँ हो गया, ये समझ में आया? 9 जीरो लग जाएगा ना, गीगा मतलब, गीगा मतलब 9 जीरो, समझ गई? 10 की पावर ठीक है, इसको और अलग अलग रूप में से कर लो। 10 की पावर 3 मेगावाट सॉरी मेगा और गीगा का जी बड़ा कर देना, इसका जी बड़ा करना, इसका एम बड़ा करना, मेगा उसकी पास 6 किलोवाट क्या लगा रूप है, इनको याद कर लेना। इसका मतलब क्या है, एम का मतलब नहीं नहीं एम का मतलब है 10 की पावर 6 है ना, वाट तो बाद में, एम के मतलब 10 की पावर 6 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 बस वही तो बात। चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, मैं लिखा तो एक ही चीज है, क्यों भूल जाते हो? मैं स्पेलिंग है, सिंपल में एम बड़ा होगा। साइलेंस, हाँ साइलेंस बच्चों, साइलेंस आगे चले अभी। अरे खत्म हो रहा था, मैंने बोला खत्म हो नहीं, खत्म हो रहा है। ऐसे सवाल करके बताओ, 1 किलोवाट आवाज और जूल में क्या मिसाल निकालना। देखो इसको ओपन करेंगे, किलो 1000 हो गया, आवाज सेकंड में चलेगा ना, आवर को आवर इसमें नहीं सेकंड में, ये किस्मत है बताओ, तुम क्या जाना। देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है ना, हां जी बराबर क्या देगा, डब्ल्यू सेकंड, डब्ल्यू बराबर सेकंड, मैंने ऐसे किलो खत्म किया और आवर कर दे सेकंड में, अगर दे आवर को सेकंड जूल बराबर नहीं हो जाएंगे। अब जो वाट आएगा क्या जाएगा, ये 36/0 है ना। अभी किसी का जूल गर्म हो गया, भाई रहाई सैकड़ा हजार, वैसे लाख, 36 लाख जूल 1 किलोवाट बराबर, एक नंबर क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग रूप आएगा, लोग कैसे आएगा अलग रूप, 36 × 10^5 जूल ठीक है, और क्या कह सकते इसको, 3.6 × 10^6 एक बार जान लो, पॉइंट जब इधर जाएगा यहां बढ़ेगा, क्या नीचे वाला ना,
वही बता रहा हूँ सुनो, पॉइंट जब भी इधर जाएगा, अरे पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है ना, पॉइंट जब भी इधर जाएगा मतलब इधर राइट में, नहीं मान लेफ्ट में, कौन करेगा लेफ्ट में, तो पावर बढ़ेगा, पॉइंट जब राइट में जाएगा पावर घटेगा, ये करने का तरीका है। जब उधर जाएगा तो जाएगा तो जितना जाएगा, एक आगे गया एक, दो आगे गया तो दो बढ़ेगा, तीन आगे गया तीन बढ़ेगा, तो आपको दिया रखा होगा ना, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया जी, अब बोलो टेन की पावर कितनी होगी, हाँ कितना आ गया, दो आगे गया ना सेवन हो जाएगा ना, पांच तो बढ़ जाएगा ना वहां पे, पांच था इसमें दो बढ़ गया, समझ गया ना, तो याद रखिए ये सिंपल तरीका याद रखने का, जितना पॉइंट लेफ्ट में जाएगा उतना पॉइंट उतना पावर बढ़ जाएगा।